हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ जिनका एग्ज़ाम जस्ट अभी क्लास टेंथ का एग्ज़ाम मीन्स अभी 7 मार्च होने वाला है। उनसे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ 6 to 15 चैप्टर का। इससे पहले मैंने पिछली वीडियोज़ में 1 से 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है, तो ये 6 to 15 चैप्टर का मैंने डाल दिया। तो ये क्वेश्चन आप जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कर लिया है और वो उनको ये लग रहा है कि कौन सा क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, तो उनके लिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो ये लगा लीजिए कि 95% क्वेश्चन यही आएंगे, यही आने वाले हैं। मैंने बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है, 10 साल के बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है, तो उनसे जो क्वेश्चन मिले हैं लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, लगा लीजिए। तो ये चैप्टर्स हमने चैप्टर सिक्स आपका है ट्रायंगल। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 6.1 तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं, इसका क्वेश्चन जो है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। अब आता है एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 6.4 के सेकंड, 6, 7, 9। एक्सरसाइज 6.5, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 6.5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इस पर PGT थ्योरम लगती है, थ्योरम का आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, और जिसमें मैंने ये स्टार का चिन्ह लगाया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद, एंड इसके बाद 12th और 13, 14, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना ठीक ठाक से। एक्सरसाइज 6.6 थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ। अब जो थ्योरम्स है 6 चैप्टर की, बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप लगा लीजिए, पूरा मार्क्स लेकर आओगे आप। तो 6.1 जो BPT थ्योरम है, थेल्स वाली जो है, और 6.8 जो PGT थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रट लीजिए, इनको लगा के रख लीजिए। इस चैप्टर के एग्जांपल्स जो हैं 8, 13, 14 एग्जांपल भी हैं, आ जाते हैं कई बार, पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर अब ये हैं 8 और 13, 14 इस चैप्टर के। अब चैप्टर नंबर चलते हैं 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो 7.1 में देखेंगे थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ। एक्सरसाइज 7.2 का देखेंगे सेकंड, फिफ्थ, सिक्स। एक्सरसाइज 7.3 का देखेंगे फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। 7.3 का सेकंड और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, पूछा जाता है, क्लियर है ना। एक चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में देखेंगे, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है आपका सेवन्थ का फोर्थ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 7.4 का है। एग्जांपल नंबर देख लेंगे फोर्थ, फिफ्थ और एग्जांपल नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने ब्लैक चिन्ह कर दिया है, स्टार लगा दिया, तो लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर देखते हैं 8। चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। तो भैया इस चैप्टर को जिसने समझ लिया लगा लो, 8-10 नंबर लेकर आएगा, पूरी तरह से पूरे पूरे मार्क्स बटोरेगा वो। तो एक्सरसाइज 8.1 का देखेंगे सेवन्थ, नाइन्थ। एक्सरसाइज 8.2 का देखेंगे फर्स्ट का, फिफ्थ और थर्ड। एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए भैया। एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी। और एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब संपूरक कोण के बारे में भी डिटेल से कहा गया है। और फिफ्थ का भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फिफ्थ के पार्ट्स हैं वो बता दें, कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। क्योंकि मैंने अभी बैक ईयर टेन ईयर बैक के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखा कि ऐसे क्वेश्चन 8.4 के क्वेश्चन जो फिफ्थ का ये पार्ट्स मैंने बताया, इसमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, इसके एग्जांपल जो हैं 8 चैप्टर के एग्जाम्पल 2, 8, 10, 13, 14, 15, ठीक है ना, ये भी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप जैसे पूछ लिया जाता है आपसे भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात आप 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 182 पे, पेज नंबर 182 पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसे
क्लियर कर लीजिए। ओके, अब चैप्टर चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 मैंने एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज 9.1 में देख लेंगे। ये एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट है, जिसे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2, 9, 10, 14 और एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th। तो ये लगा लीजिए इस चैप्टर का, अगर आपको फिगर भी आपने क्लियर बना दिया तो लगा लीजिए 100% आपको मार्क्स आधे मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आधे मार्क्स। फिगर आपको क्लियर कर लेने बहुत अच्छे से, पेंसिल से अच्छे से फिगर बनाना है, बहुत अच्छे से क्लियर करके फिगर बनाना है, मार्क्स आपको हाफ मिलेंगे, श्योर है। अगर आपने सोल्यूशन नहीं दे पाया, आप सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो तो। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। सर्कल मीन्स वृत्त आती है, वृत्त। अब वृत्त के बारे में देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में देखेंगे 1st, 2nd, 7th, 8th, 11th, 12th, 13th। इसमें एक थ्योरम्स भी आती है, थ्योरम्स आती है 10.2 की, थ्योरम्स है 10.2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम्पल आपका है 2 नंबर का, 10th चैप्टर का एग्जाम्पल है 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11th चैप्टर, कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, इंपॉर्टेंट चैप्टर। 4 नंबर आप पूरे बटोर के लाओगे अगर आपको फिगर बनाने आता है बस। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना जानते हो तो फिगर, आप कई बार कंस्ट्रक्शन पूछा भी नहीं जाता है, तो आप फिगर बनाना सीख जाओ पूरी तरह से, 4 नंबर पाओगे इस चैप्टर से पूरे पूरे। 11.1 देखेंगे 1st, 4th, 5th क्वेश्चन 11.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 3/4 कुछ करके दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन और एंड नेक्स्ट देखेंगे 7th। 11.2 का देखेंगे 2nd, 4th, 5th एंड 6th। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का देखेंगे 3rd, 4th है। एक्सरसाइज 12.2 का देखेंगे 5th एंड 6th एंड 13 है। एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 6-7 नंबर आपको मिल जाएंगे, 6 नंबर लगभग आप यहाँ से ले सकते हो। तो 12.3 का देखेंगे 1st, 2nd, 5th, 8th, 9th, 10th, 15th। एग्जाम्पल नंबर इसका देख लेंगे 6 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। एग्जाम्पल नंबर अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना है, इग्नोर नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे सॉल्व करना है इन्हें। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि भाई बच्चे जो होते हैं एक दो ट्यूशन लगवा के, दो दो ट्यूशन लगवा के बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, स्कूल में भी क्लियर हो जाती है बुक्स, लेकिन एग्जाम्पल विशेष फोकस नहीं देते हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी क्लियर करके चलना है। अगर आप चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन लेने के, तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो यहाँ से आप, क्लियर है ना। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 13.1 में देखेंगे 4th, 7th, 9th, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे सॉल्व करना है। 13.2 में 5th क्वेश्चन, 13.3 में 4, 6, 7 एंड एक्सरसाइज 13.4 में 2, 4, 5 एंड 13.5 में 5th क्वेश्चन। ये जोड़ दिया गया है 5th वाला क्वेश्चन, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कर ही लेना है, सॉल्व कर लेना है। और एग्जांपल नंबर 6 और 7 ये क्लियर आपको कर लेना है, क्लियर है। कई बार होता है जैसे छिन्नक से रिलेटेड आ जाता क्वेश्चन, कुछ ऐसे ऐसे आते हैं, तो विशेष फंसाऊ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना है आपको, अच्छे से क्लियर करना है क्वेश्चन को, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप इसका चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो 11 और 12 और 13 चैप्टर का। चैप्टर नंबर देखते हैं, अब आपके 2 चैप्टर और बचे हैं, तो चैप्टर नंबर आगे देखते हैं। तो आगे है चैप्टर नंबर आपका 14 है स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी। तो यहाँ से भी आपको 5 चीज़ आपको क्लियर रखना है, मीन या मतलब माध्य, माध्यक और बहुलक और 2 ग्राफ वाले आते हैं ना, तो 5 चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर करके रख लेना है। अब देखते हैं स्टैटिक्स में सांख्यिकी। एक्सरसाइज 14.1 का 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.2 का 4th, एक्सरसाइज 14.3 का 1st और 4th, एक्सरसाइज 14.4 का 2nd एंड 3rd। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है 2 दिन में, बहुत आपके पास अभी टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, तो अच्छे से आप क्लियर करके जाइए। 6 तारीख को आप पूरी ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, 5 से 7 मार्क्स यहाँ से हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं और 1 क्वेश्चन तो डन ही आता ही आता है। तो एक्सरसाइज 15.1 का 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 22, 23 एंड 24 ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है, क्लियर है। और एक्सरसाइज 15.2, ढेर सारे बच्चे सोचते हैं हमारे
कि भाई ये तो ऑप्शनल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है नहीं, टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा है कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ से भी आप क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना यहाँ से भी, और क्लियर कर लेना एग्जाम्पल नंबर 6 और 9 को भी। तो कैसे लगी हमारी वीडियो दोस्तों? अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर की थी जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जिनको ये लग रहा है कि भाई मैथ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको भी शेयर कर दीजिए। पक्का मैं बता रहा हूँ 90-95% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साइंस रिलेटेड मैं बनाऊँगा, सोशल साइंस से भी बनाऊँगा, संस्कृत से भी बनाऊँगा, और हिंदी से भी बनाऊँगा, इंग्लिश से भी बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।